हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में नवरत्न कोरमा कैसे बनाया जाता है। इस रेसिपी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैं आपको एकदम परफेक्ट और इजी रेसिपी बताने वाला हूं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल देख लेते हैं, कौन सी सब्जियां चाहिए होंगी। बीन्स चाहिए हमें थोड़ी सी, गाजर, गोभी, और ये मैंने अमेरिकन कॉर्न लिए हैं। इसके साथ में आपको मखाना चाहिए होगा, और साथ में आप थोड़े से ड्राई नट्स चाहिए होंगे। देखिए काजू, बादाम और किशमिश का यूज कर सकते हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई ड्राई नट्स ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ में आपको फ्रूट कॉकटेल चाहिए होंगे। आप फ्रेश फ्रूट का यूज करना चाहें जैसे एप्पल, पाइनएप्पल का यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको हरे मटर चाहिए होंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज, 2 हरी मिर्ची और 12 से 15 आपने काजू लेने हैं। अगर ज्यादा काजू ना हो आप इनके साथ में मगज का यूज कर सकते हैं। और एक पैन में आप पानी बॉइल कर लीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। जो हमने सब्जियां ली है ना, इनको हम बॉइल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने गाजर ऐड किया। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको पकने में टाइम ज्यादा लगता है, तो लगभग 1 मिनट तक आप गाजर को बॉइल कर लीजिए। इसके बाद 1 मिनट के बाद आपने इसमें बीन्स ऐड कर देनी है, और बीन्स को 30 सेकंड जैसे पकते हो जाएं उसके बाद आपने इसमें गोभी भी डाल देनी है। और सब्जियों की जो कटिंग है आपने छोटी कटिंग करनी है, ज्यादा बड़ी कटिंग नहीं करनी है। देखिए साइज में ओके। देखिए यहाँ पे मुझे सब्जियों को बॉइल करते हुए लगभग 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें अमेरिकन कॉर्न भी ऐड कर देने हैं। ये जो कॉर्न है मैंने फ्रोजन कॉर्न का यूज किया है। इसके साथ में हरे मटर भी डाल देते हैं, और गैस की फ्लेम एक बार आप हाई कीजिए, और लगभग 30 सेकंड तक आपने कॉर्न और मटर को भी गर्म कर लेना है पानी के साथ में। ये देखिए सब्जियां हमारी लगभग 70% तक पक चुकी है। बाकी कुकिंग जो है वो ग्रेवी के साथ की जाएगी। और इसके बाद आपने सब्जियों को ना छान लेना है। एक छन्नी लेनी है, उसमें इनको छान लीजिए। और छानने के बाद आपने सब्जियों को जल्दी से ठंडा कर लेना है। जल्दी से ठंडा कर लेंगे सब्जियों का जो कलर है वो बना रहेगा, एकदम ग्रीन रहेगा। और जिस पानी में हमने सब्जियां बॉइल की थी उसी पानी के अंदर आपने प्याज भी डाल देना है स्लाइस काट के, और इसके साथ में जो काजू मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे तक गर्म पानी में वो भी डाल देने हैं। और 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है ग्रेवी को तीखा करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, और 10 से 12 मिनट तक आपने प्याज और काजू को यहाँ पे बॉईल होने देना है। 10 से 12 मिनट में देखें जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो पानी पूरी तरह से सूख जाएगा, आपका प्याज और काजू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने इनको ठंडा होने देना है, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। जैसे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, इससे जो आपकी नवरत्न कोरमा ग्रेवी है ना वो एकदम स्मूथ बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। देखिए इस तरह से पीस लीजिए। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का यूज भी कर सकते हैं। जो मैंने ड्राई नट्स लिए थे ना, इनको आपने यहाँ पे थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। इनको शैलो फ्राई करने से एक तो इनमें क्रंच आएगा और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो जब आप ड्राई नट्स को शैलो फ्राई करें गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है, और मिक्स करने के बाद आप साथ साथ में इसमें मखाने भी डाल दीजिए, और मखानों को भी उसी तरह से लो फ्लेम में थोड़ा सा आप यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए। मखानों को हल्का शैलो फ्राई करने से इनके बाहर से अच्छा क्रंच आ जाता है। तो देखिए हमारे ड्राई नट्स अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। उसी ऑयल के अंदर आपने जो सब्जियां ली थी ना बॉईल करके रखी हैं वो भी शैलो फ्राई करनी है, और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है आपको। और गैस की फ्लेम अब आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है। 1 से 1.5 मिनट तक आप सब्जियों को थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई करने से ना सब्जियों का एक अच्छा टेस्ट आ जाता है, और जो बॉयल जैसे हम सब्जियां करते हैं ना बॉयल वाला जो टेस्ट रहता है वो खत्म हो जाता है। तो ओके देखिए सब्जियों को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई कर लिया है। कढ़ाई को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, इससे क्या होगा जो हमने इसमें ऑयल ऐड किया था सारे का सारा ऑयल कढ़ाई के एक साइड में चला जाएगा, और जो सब्जियां ना इनके अंदर ना ऑयल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से देखिए सब्जियों को निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा आपको सब्जी बनाने के लिए ऑयल भी कम चाहिए होगा, और कम ऑयल में आपकी सब्जी बन जाएगी। इसी ऑयल के अंदर 1 क्यूब आपने बटर का ऐड करना है, और 1/2 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो ओके देखिए पेस्ट हमारा पक चुका है। इसके बाद जो हमने ग्रेवी पीस के रखी थी वो ऐड कर देनी है। मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी रहे हल्का सा पानी डाल के वो भी ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम हाई करेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए, और जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। और ये देखिए ग्रेवी पकना शुरू हो चुकी है। इसके बाद आपने ग्रेवी को ऊपर से कवर कर देना है, क्योंकि ग्रेवी पतली है बहुत ज्यादा छींटे मारेगी। जैसे ग्रेवी थिक हो जाएगी ना तो छींटे मारना बंद कर देती है। और ये देखिए ग्रेवी आपकी ना अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। कितना टाइम लेगा, 5 से 6 मिनट में आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह थिक भी हो जाएगी और अच्छी तरह से पक जाएगी। इसके बाद आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो 1/2 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1/2 चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आपको खाने में मीठा पसंद नहीं है तो आप इसको
स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें व्हाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें इलायची पाउडर डालना है और इन मसालों को भी ग्रेवी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब ग्रेवी अच्छी तरह ठीक हो जाएगी ना, तभी आपने मसालों को मिक्स करना है ग्रेवी के साथ, नहीं तो मसालों के ना लम्स बन जाते हैं। और इसके बाद आपने इसमें आधा कप पानी ऐड करना है। पहले आधा ही कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप सब्जी थोड़ी सी ज्यादा ठीक खाना पसंद करते हैं तो पानी का यूज कम कीजिए। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया है, क्यों? क्योंकि जब ग्रेवी है ना, जैसे पकती जाती है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो पहले आपने ग्रेवी को ना पतला रखना है, फिर आपने इसमें थोड़ा सा खोया ऐड करना है। खोए से व्हाइट ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है, तो थोड़ा सा खोया आप जरूर डालिए। नहीं है आप इसकी जगह थोड़ा सा मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं और खोए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है। तो ये देखिए गाजर बीन्स वगैरह मैंने डाल दी है, साथ में ड्राई नट्स भी डाल देते हैं मखाने के साथ जो मिक्स किए थे, और फ्रूट कॉकटेल जो हमने रखे थे वो भी डाल देने हैं, और इन सबको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो नवरत्न कोरमा है टोटल 9 सब्जियों का यूज किया था है, सब्जियां और ड्राइनर्स को मिला के। आपके पास कम हो कोई चक्कर नहीं है, कम सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में आपने इसमें ना 2 बड़े चम्मच क्रीम ऐड करनी है। क्रीम से अच्छा व्हाइट कलर आएगा ग्रेवी में और अच्छा टेस्ट भी आएगा। बटर डालना चाहें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से क्रीम को मिक्स कर लेते हैं। जैसे बॉयल आ जाएगा गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़ा सा रोगन क्रीम और सैफ्रन के साथ, केसर के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।